हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अत्यशाम। तो आज मैं वापस आ गई हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रसगुल्ले की कुल्फ़ी। तो रसगुल्ले की कुल्फ़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 लीटर जैसा दूध। मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 5 रसगुल्ले और लिया है शुगर। शुगर मैं इतना ऐड करूँगी जितना कि कुल्फ़ी को मीठा करना हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है छोटी इलायची। तो छोटी इलायची मैं इतना यूज़ नहीं करूँगी, इसे मैं 2-4 ही यूज़ करूँगी और उसे छील के इसके दाने को पीस लूँगी। तो चलिए रसगुल्ले की कुल्फ़ी को बनाते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है कढ़ाई और कढ़ाई में मैं यहाँ पे दूध को डाल रही हूँ। हाई फ्लेम में रखा है मैंने इसे। तो अब इसे मैं उबाल आने के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी। तो ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अब मैं इसे कंटिन्यू इसी तरह से चलाती रहूँगी जब तक कि दूध अच्छे से थिक ना हो जाए। तो ये देखिए दूध अच्छा गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी रसगुल्ले। तो मैंने यहाँ पे रसगुल्ले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और इसे मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो उसके बाद मैं अब ऐड कर रही हूँ यहाँ पे शुगर यानी कि चीनी। तो चीनी मैं इतना ही डालूँगी कि जितना मुझे मीठा चाहिए। और चीनी डालने के बाद मैं इसे चारों ओर से मिला के इसे मैं उबाल आने तक इसी तरह से छोड़ दूँगी। उबाल आ जाने के बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए दूध ठंडा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिक्सर जार। मिक्सर जार में मैं इसे डाल के और इसे मैं पीसूँगी। तो उसके बाद मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ छोटी इलायची का पाउडर। तो मैंने छोटी इलायची को छील के उसे अच्छे से कूट लिया है और कूट के एक पाउडर बना के इसमें ऐड करके मैं इसे पीस लूँगी। तो ये देखिए मैंने अच्छा से एक लिक्विड बना लिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ आइसक्रीम मोल्ड और आइसक्रीम मोल्ड में मैं इसे डाल रही हूँ। तो उसके बाद मैं इसे फ्रीज़र में डाल दूँगी और लगभग 4 से 5 घंटे ऐसे लगेंगे आइसक्रीम को जमने में। आप इसमें चाहे तो नट्स या फिर चॉकलेट चिप्स या फिर कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा कुल्फ़ी सेट हो चुका है। अब मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। निकालने से पहले आप इसे नॉर्मल पानी में डुबाएं, उसके बाद इसे निकालिएगा तो ये काफ़ी ईजी से निकल आएगा। इसे डायरेक्ट निकालिएगा तो ये टूट भी सकता है।